हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन टॉक में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडर्मा क्रीम के बारे में। यह क्रीम का उपयोग स्किन में स्कार यानी दाग धब्बों को ठीक करने के लिए किया जाता है, साथ ही यह स्किन के टेक्सचर और कलर को भी इम्प्रूव करने का कार्य करती है। यह क्रीम आपको मेडर्मा क्रीम, मेडर्मा एडवांस क्रीम और मेडर्मा एडवांस प्लस क्रीम के नाम से मेडिकल स्टोर पर देखने को मिल जाती है। लेकिन आज की वीडियो में हम मेडर्मा क्रीम के बारे में जानने वाले हैं, इसके कौन कौन से इन्ग्रीडियंट इसमें प्रेजेंट रहती है, साथ ही इसके यूज़ यानी किस प्रकार के स्कार दाग धब्बों को ठीक करने के लिए इस क्रीम का उपयोग किया जाता है, इस क्रीम को कैसे और कितनी बार लगानी होती है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्रीम को कैसे आपको अप्लाई करना रहता है, दाग धब्बों पर कैसे इसको लगाना रहता है जिससे कि आपका दाग धब्बे जल्दी से ठीक हो जाए, आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके, और अंत में इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, और इसी तरह के मेडिसिन से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल मेडिसिन टॉक को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को जल्द से जल्द शुरू कर लेते हैं। मेडर्मा क्रीम की इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो इसमें आपको कई अलग अलग प्रकार के इंग्रेडिएंट प्रेजेंट मिल जाती है, जिसमें से पहला है एलियम केपा एक्सट्रैक्ट, दूसरी है एलेंटोइन, विटामिन V5, लिसिथिन, सोडियम हाइड्रोलुनेट और सोर्बिक एसिड। इसमें जो एलियम केपा एक्सट्रैक्ट है वो एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है, जिसमें जो कि आपको स्कार के जो डार्कनेस होती है उसको कम करने के साथ साथ स्कार के साइज को भी छोटा करने का कार्य करती है। जो विटामिन V5 है वो स्किन में पानी को पकड़ के रखती है, जिस वजह से स्किन हमेशा हाइड्रेट रहती है, डिहाइड्रेशन नहीं होती है। साथ ही जो लेसिथिन है वो स्किन में स्मूथनेस प्रदान करती है, जिससे कि स्किन हमेशा स्मूथ रहती है। और जो सोडियम हाइड्रोलुनेट है वो स्किन में मॉइस्चराइजिंग एजेंट का कार्य करती है, स्किन को मॉइस्चर प्रदान करती है, जिस वजह से स्किन में जो रफनेस आती है, रुखड़ापन आती है वो ठीक हो जाती है। इसकी अगर पैकेजिंग की बात की जाए तो ये आपको 5 ग्राम, 10 ग्राम और 20 ग्राम के अलग अलग पैकेजिंग के साथ देखने को मार्केट में मिल जाती है। अब इसके यूज़ के बारे में पूरी अच्छी तरह से जान लेते हैं। तो मेडर्मा क्रीम का उपयोग मुख्य रूप से स्किन पर होने वाले स्कार यानी निशान दाग धब्बों को हटाने के लिए किया जाता है। तो यदि व्यक्ति की स्किन में पिंपल्स यानी किल मुहासे आते हैं, फिर उसके ठीक हो जाने के बाद जब दाग धब्बे बन जाते हैं तो उसको ठीक करने के लिए मेडर्मा क्रीम का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यदि व्यक्ति को किसी प्रकार की कट लग गई है, सर्जरी हुई हो, एक्सीडेंटल इंजरी यानी दुर्घटना की वजह से किसी प्रकार की चोट घट लग गई है, या फिर व्यक्ति को बर्निंग यानी जलने की वजह से किसी प्रकार की स्किन में इंजरी हो गई है, व्यक्ति की स्किन में किसी प्रकार के स्ट्रेचेस यानी टाके लगे हुए हैं जिसके घाव भरने के बाद जो स्किन में दाग बन जाते हैं, तो उसको दूर करने के लिए भी मेडर्मा क्रीम का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वोमेन होते हैं उनमें प्रेगनेंसी के दौरान यदि सीजेरियन प्रोसीड्योर होता है तो सीजेरियन के बाद जो घाव भर जाते हैं उसके बाद जो व्यक्ति के पेट में जो दाग बन जाती है, जो स्कार बन जाती है, जो उस निशान को ठीक करने के लिए भी मेडर्मा क्रीम का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो बड़े स्कार्स होते हैं उसके साइज को छोटा करने के लिए, साथ ही साथ जो स्कार के कलर होते हैं उसको स्किन के कलर में लाने के लिए यानी जो उसमें डार्कनेस होती है उसको कम करने के लिए भी इस क्रीम का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा स्किन में यदि रफनेस आ गई है, रुखड़ापन आ गया है, तो उसको ठीक करने के लिए, स्किन को मॉइस्चराइजिंग और स्मूथनिंग बनाने के लिए भी इस क्रीम का उपयोग किया जाता है। तो ये इसके यूजेस है, इन किन कंडीशन में इस मेडर्मा क्रीम का उपयोग व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। इसके यूज को पूरी विस्तार से जान लेने के बाद जान लेते हैं इसके डोज के बारे में, यानी व्यक्ति के द्वारा दिन भर में इसे कब कब लगाना होता है। तो इसे सामान्यतः दिन भर में 3 से 4 बार लगाया जाता है। अगर ड्यूरेशन की बात की जाए तो जो यदि छोटे निशान हैं या फिर ताज़े जो निशान होते हैं उन्हें 20 से 30 दिन तक यह क्रीम लगाने पर वो ठीक हो जाते हैं। यदि उनसे पुराने और बड़े निशान हैं तो उसे लगभग 1 या 2 महीने या उससे भी अधिक समय तक लगाने की आवश्यकता होती है। अब जान लेते हैं इसके मुख्य पार्ट यानी इस क्रीम को कैसे लगाना होता है। तो इस क्रीम को सबसे पहले आपको जिस जगह पे लगानी होती है, जो इस बॉडी पार्ट पे लगाना होता है, उसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना होता है। उसके बाद इसे सेंटर पे उंगली पे लेकर लगाना होता है। उसके बाद उसे राउंड राउंड गोल करके उसे लगाना होता है, और धीरे धीरे उसे लगाते हुए स्किन के चारों ओर यानी स्कार के जो निशान है उसके चारों ओर उसको राउंड करना रहता है, और जब तक इसे मेल्ट ना हो जाए, स्किन पूरा तरह से अब्जॉर्ब ना कर ले इस क्रीम को, तब तक उसे राउंड राउंड करके मसाज करना की जरूरत होती है। इस तरह से इस क्रीम को लगाने से बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है और व्यक्ति को बेस्ट रिजल्ट मिल पाती है। लेकिन इस क्रीम की सबसे एक डिसएडवांटेज बात यह है कि यह क्रीम जो 6 महीने से यदि अधिक पुराने निशान है तो उसको यह ठीक नहीं कर पाती है, यह केवल 6 महीने के अंदर ही जो निशान होती है उसको ही यह ठीक कर पाती है। यह सबसे बड़ी इसकी डिसएडवांटेज है। अब अंत में इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस क्रीम को लगाने से सामान्यतः व्यक्ति में कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन इन रेयर केसेस यदि व्यक्ति में कोई भी साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं तो व्यक्ति की स्किन में इरिटेशन हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, इचिंग यानी खुजली चल सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, बर्निंग यानी स्किन में जलन महसूस हो सकती है। यदि यह या इसके अलावा कोई और साइड इफेक्ट देखने को मिलती है, तुरंत इस क्रीम को लगाना बंद कर दे और अपने डॉक्टर
दुरुस्त मिले ताकि आपको बेहतर ट्रीटमेंट दी जा सके। तो इस तरह से हमने मेडर्मा क्रीम के बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको दे दिया हूँ। वीडियो कैसे लगे वीडियो को लाइक करके जरूर बताइए और इसी तरह के मेडिसिन जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल मेडिसिन को जरूर सब्सक्राइब कर लेते। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।